आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एग पनीर की रेसिपी। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनती है और हमने इसके लिए क्या क्या सामग्री लिया है। तो मैंने यहाँ ये अंडे लिए हैं और ये मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर पेस्ट लिया है, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और यहाँ थोड़ा गरम मसाला, ये थोड़ा हींग लिया है, और ये काली मिर्च पाउडर, और मैंने यहाँ सूखा मसाला लिया है, दो इलायची, लौंग, थोड़ी सी दालचीन, और ये मैंने थोड़ा सा तेज़पत्ता लिया है। अब मैं यहाँ एक बर्तन लूँगी, इसमें हम ये अंडे को फोड़ लेंगे। अब हम इसमें ये थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। बस हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन लेंगे। अब हम इसमें ये डाल के इसे स्टीम करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ लिया था। अब हम इसे अंडे को स्टीप होने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट तक। अब हम इसे ढक लेंगे। मैंने इसे स्टीम होने के लिए छोड़ दिया है 10 से 12 मिनट तक। हमें गैस का फ्लेम मीडियम में करना है। तो अब हम इसे चेक करेंगे और इसे हम नाइफ से देखेंगे। तो यह हमारा थोड़ा सा अभी और पकेगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसे चाकू से काट लेंगे। आप इसे अपने अनुसार साइज में छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पीसेस काट लिए हैं। अब हम इसे पनीर की तरह फ्राई करेंगे। तो अब हम गैस पर पैन कुकर में होने के लिए छोड़ दिए। अब हम इसमें ये मैंने यहाँ तेल बोलना भूल गया था। मैं अब इसे फ्राई करने के लिए ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। तो ये हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका। अब हम इसमें ये अंडे डाल देंगे और इसे हमें हल्का फ्राई करना है। तो ये अब हमारा फ्राई हो चुका। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ उसी पैन में ही थोड़ा सा ऑयल डालूँगी इसे सब्जी बनाने के लिए। तेल को गर्म होने के बाद ये मैंने तेज़पत्ता, इलायची ये सब डाल दूँगी और यहाँ मैंने थोड़ा सा हींग डालूँगी। ये हमारा फ्राई हो चुका। अब हम इसमें ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसमें ये हल्दी पाउडर भी डालेंगे। और मैं यहाँ जो अदरक लहसुन प्याज पेस्ट इसे भी डालूंगी और इसे हमें चम्मच से चलाना पड़ेगा लगातार। अब हम इसमें ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और गरम मसाला भी डाल देंगे। अब हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह भून ले। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। अब हम इसे चम्मच से फिर से चलाएंगे। ये हमारा मसाला भून रहा है। अब आप अपने यहाँ ग्रेवी के अनुसार पानी डालेंगे। अब ये हमारा ग्रेवी उबल रहा है। अब हम इसमें ये एग पनीर डाल देंगे। अब हम इसमें 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा करी रेडी हो चुका। अब हम इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो चुका है एग पनीर की रेसिपी।